शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट क्लास अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर में जो पैटर्न है उसको आज हम लोग ऑब्जर्व करना सीखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वर्कशीट मिले तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका लिखा है कि ऑब्जर्व द पैटर्न इन द स्क्वायर नंबर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द बॉक्स। अब आपको यहाँ देखना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ बॉक्स में लिखना है। तो देखिए आपने क्या लिखा, 1 का स्क्वायर 1 है, जैसे ही 11 का स्क्वायर हुआ यहाँ पे 2 आ गया, जैसे यहाँ 3 यानी 111 का स्क्वायर होता है 3 तक डिजिट आ गई, जब यहाँ 4 बार 1 का स्क्वायर होता है यहाँ 4 तक डिजिट आ गई, देन जब यहाँ 5 तक हुआ तो यहाँ 5 तक डिजिट आ गई। यही हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा जैसे जैसे इधर 1 बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर की काउंटिंग भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिख देते हैं। तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज वन इंक्रीज टू द लेफ्ट द कोड इज इंक्रीज ऑन द राइट, यानी कि सॉरी काउंट, जैसे ही 1 इंक्रीज होता है लेफ्ट की तरफ वैसे ही काउंटिंग इंक्रीज होती है राइट की तरफ। ठीक है, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ आपका देखिए अगला क्या लिखा है, कंप्लीट द पैटर्न। अब आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है तो आप क्या देखेंगे, 11 का स्क्वायर है तो 121 है। ठीक है, 101 का स्क्वायर देखिए बीच में एक जीरो आया तो यहाँ गिनती 2 तक ही रहेगी लेकिन दोनों तरफ एक एक जीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे 2 जीरो बीच में आया तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ 2 जीरो बीच में आ जाएंगे, है ना। यही पैटर्न है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पैटर्न को ऑब्जॉर्व करना है और आंसर लिखना है। तो देखिए अब यहाँ पे 3 जीरो है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे दोनों तरफ और 3 ही आपको यहाँ पे देखिए ब्रैकेट भी दिए गए हैं, है ना। फिर आपको यहाँ देखिए 4 जीरो है तो इसका मतलब है यहाँ पे इस बार 1 नहीं है, तो पहले आप दोनों साइड 1 लगा लेंगे और बीच में देखिए 4 जीरो लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में 4 जीरो है तो 4 इधर 4 इधर। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। अब आपको ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेशन करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्वेशन द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स। अब आपको इसको करना है और आगे इसमें जो है स्टेप्स भी लिखने हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ आपका दिया गया है 7 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर, यहाँ 667 का, यहाँ 6600 का, है ना। इसी के आगे अगर आप चाहें तो एक दो और स्टेप आगे बढ़ा के लिखने हैं आपको, लिख सकते हैं आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ये 67 का स्क्वायर यहाँ 4489 हो जाएगा, यहाँ 667 है तो देखिए यहाँ 34 होगा, यहाँ 889 हो गया, है ना। इसी तरह से अगर ये आपका आगे बढ़ता है, देखिए ये आपका आगे क्या हो जाएगा, ये आपका है 6667 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखिए ये 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए। अब अगर हम यहाँ पे 4 बार 6 कर देते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 जो है वो आपके 5 बार हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 3 बार है, ये 8 आपके 4 बार हो जाएंगे और 9 9 रहेगा, है ना। इस तरह से आप अगर यहाँ हम 4 की जगह इसे हम 5 बार करते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 7 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये आपके 5 थे, ये आपके कितने बार हो जाएंगे, ये आपके 6 बार हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये आपके 4 हैं, ये आपके 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये आपका 9 जो है ये इट इज़ 9 उतर जाएगा। तो ये पैटर्न है, आपको इसे ऐसे ही ऑब्जर्व करना है और आगे आगे लिखते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन आपका यह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4² 34² 334² 3,334 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आप पहले लिख सकते हैं 4 का 16 हो जाएगा, 34 का 1156 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 111156, इसका जाएगा देखिए यहाँ 3 बार 3 है, यहाँ 3 बार 4 बार 1 आ जाएगा, है ना। अब अगर हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहें, यानी अगर ये 3 है तो यहाँ अब हम 4 बार करेंगे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 5 बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 बार हो जाएगा और 6 का 6 आएगा। अब अगर ये 3 है इसको हम 5 बार कर दें, ओ सॉरी 4 बार है इसको हम 5 बार कर देंगे तो ये जो 5 था ये इसका कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। ठीक है, ये 4 बार है ये कितनी बार हो जाएगा, ये आपका 5 बार हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को आगे ऑब्जर्व कर सकते हैं और आगे इस पैटर्न को बढ़ा सकते हैं जितनी दिल चाहे। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लिखा है कंप्लीट द पैटर्न। अब आपको इस पैटर्न को पूरा करना है तो देखिए यहाँ 111 का स्क्वायर है यानी 121 या 0 है, देखिए इस तरह से 101 का स्क्वायर है तो 12 हो जाएगा। यहाँ जैसे जैसे 1 बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देख सकते हैं यहाँ काउंटिंग बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ 1 2 3 3 बार 1 आ गया तो देखिए यहाँ काउंटिंग 3 बार पहुँच गई, है ना। अब यहाँ 4 बार 1 आएगा तो यहाँ की काउंटिंग जो है आपकी 4 तक पहुँच जाएगी। इसके बाद यहाँ जो है ये आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
और देखिए ये आपका इसका पैटर्न, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ चार बार है, तो देखिए यहाँ चार तक गिनती पहुंचेगी, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पाँच बार है, तो देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, पाँच है ना, तो 5 0 तक पहुंच गई उसका, 4 0 3 0 2 0 1, ठीक है। तो आप इस तरह से इस ऑब्जर्वेशन को कर सकते हैं आसानी से, और इसका आगे पैटर्न अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को ये खत्म करते हैं, अच्छी वीडियो में बस इतनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।